अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से निवेदन करता हूं कि आप रिमोट का बटन दबाकर इन नए उपक्रमों के डिजिटल विमोचन के लिए कल्पना कर रहे हैं। देश ने पिछले 9 सालों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उनके आह्वान का अनुसरण करते हुए राष्ट्र दृढ़ संकल्प के साथ वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले सन 2025 तक टीबी मुक्त बनने के लिए प्रतिबद्ध है। टीबी फ्री इंडिया का लक्ष्य 2030 साथ ये रिपोर्ट वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने की दिशा में किए गए देश के प्रयासों का एक संकलन है। इसके अलावा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के निदान और उपचार के सशक्तिकरण हेतु एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी ट्रेनिंग मॉड्यूल का अनावरण किया जा रहा है। ये मॉड्यूल भारत में सरकारी और निजी क्षेत्रों में द्वितीय और तृतीय केयर स्तर के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए बनाया गया है। इस मॉड्यूल के द्वारा उन्हें एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी मामलों की पहचान, नोटिफिकेशन, निदान और उपचार के विषय में बेहतर प्रशिक्षण दिया जाएगा। टीबी से प्रभावित परिवारों की खुशहाली सुनिश्चित करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फैमिली केयर गिवर इनिशिएटिव की शुरुआत की जा रही है। इसके अंतर्गत परिवार के सदस्यों को टीबी संबंधित विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मी परिवार के सदस्यों को निरंतर सहयोग प्रदान करेंगे। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध करवाए जाएंगे, साथ ही इंटरैक्टिव टूल्स और प्रचार सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। ये पहल टीबी मुक्त भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे देश के विकास में गांव और पंचायत की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। देश से टीबी को जड़ से समाप्त करने हेतु टीबी मुक्त पंचायत अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। इस पहल के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय ग्रामीण संस्थाओं के सहयोग से हर गांव को टीबी मुक्त बनाने के लिए कार्य किए जाएंगे। ये अभियान न केवल भारत को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में एक निर्णायक भूमिका अदा करेगा, बल्कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने में भी हमारी मदद करेगा। इलाज से बचाव बेहतर है को सार्थक बनाते हुए आज बड़े पैमाने पर टीबी निवारक उपचार रणनीति की भी शुरुआत की जा रही है। टीबी संक्रमण निष्क्रिय रूप से शरीर में रहता है और किसी भी कारण अगर रोग से लड़ने की शक्ति कम हो जाए तो ये बीमारी के रूप में सक्रिय भी हो सकता है। टीबी संक्रमित व्यक्ति के लिए अब भारत सरकार टीबी निवारक उपचार उपलब्ध करा रही है। ये नया 3HP टीबी निवारक उपचार मात्र 3 महीने का कोर्स है। इसकी खुराक लगातार 12 हफ्तों तक हफ्ते में सिर्फ एक बार लेनी होगी। ये उपचार टीबी रोगी के निकटतम संपर्क में आए 2 साल से बड़े व्यक्तियों को दिया जा सकता है। आइए हम सब मिलकर आगे बढ़ें एवं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के टीबी मुक्त भारत के संकल्प को एक जन आंदोलन का रूप दें।